Hello students, today we are going to start with practical problems on primary distribution. As discussed in the previous video also, we have discussed that in overhead costing, primary distribution is the main important part. In primary distribution, apportionment of overheads among other all the departments need to be done. Apportionment means allocation of the overheads on different departments. For distributing the overheads on different departments or different cost centers, we need to decide a proper basis. For this, we have already given you a table in which we have given you expenditure and then their basis. So please do refer our last video. Now we will start with practical problem number one. A factory has three production departments P1, P2 and P3 and two service departments, that is S1 and S2. The following overheads and other information are extracted from the books for the month of January 2019. So these are the expenses given, that is rent, repairs, depreciation, lighting, supervision, fire insurance of stock, ESI contribution and power. यानी कि एक एक फैक्ट्री के अंदर तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, उनके ये एक्सपेंडिचर दे रखे हैं. इन एक्सपेंडिचर को हमें इन पांचों डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर हमें नीचे डिफरेंट बेसिस दे रखे हैं. हमें क्या करना है, हर एक रेंट का या हर एक एक्सपेंसेस का एक बेसिस चूज करना है और उस बेसिस पर हमें इन एक्सपेंडिचर को इन पांचों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो क्या क्या बेसिस दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, स्टॉक वैल्यू एंड हॉर्स पावर ऑफ द प्लांट. अलोकेट और एपोर्शन द ओवरहेड्स अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन सूटेबल बेसिस. ओके, सो अब कौन से एक्सपेंडिचर का कौन सा बेसिस होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक टेबल बनाकर समझा चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पर हम वापस एक बार ब्रीफ कर देते हैं. रेंट को एरिया के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रिपेयर्स को प्लांट वैल्यू के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्योंकि रिपेयर्स मशीनरी का प्लांट का है तो प्लांट की वैल्यू पर, डेप्रिसिएशन भी किसका होता है, प्लांट का तो प्लांट की वैल्यूज पर, लाइटिंग. अब लाइटिंग जो एक्सपेंडिचर है वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, अगर आपको बेसिस में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप पहले नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं तो लाइट भी एरिया के बेसिस पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सुपरविजन, सुपरवाइजर जो है वो सुपरविजन करेगा किसका, वर्कर्स का, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर आप सुपरविजन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक का फायर इंश्योरेंस है तो स्टॉक वैल्यू पर. ईएसआई कंट्रीब्यूशन है तो वेजेस के बेसिस पर, क्यों, क्योंकि वर्कर अपनी वेजेस में से ही ईएसआई कंट्रीब्यूशन करेगा. और पावर है तो हॉर्स पावर ऑफ प्लांट. तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में एक टेबल बनाना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें हर एक एक्सपेंडिचर को इन पांचों डिपार्टमेंट में P1, P2, P3, S1 एंड S2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. और डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जो आपको ये बेसिस दे रखे हैं हर एक एक्सपेंडिचर को कोरिलेट करना है एक बेसिस के साथ और डिस्ट्रीब्यूट करना है. कीप वॉचिंग आवर अपकमिंग सेशन. थैंक यू.